हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे पंजाबियों तुहाडे लई एक मैं संदेश लैके आया कि पंजाब दे विच वातावरण की जिहड़ी स्थिति है वो ज़्यादा नाजुक है तो बहुत खतरनाक है। तुहाडी जानकारी लई मैं दस दिया कि पंजाब भर दे विच रोज़ 4300 टन कूड़ा 4300 आई एम टैलिंग यू 4300 किलोग्राम्स ऑफ कूड़ा जिन्हों गारबेज या रबिश जो भी तुसी कहने हो वो प्रोड्यूस जनरेट हुंदा साढ़े हाउस होल्ड जिन्हों म्यूनसिपल वेस्ट कहंदे हो तुसी ते वो सारा का सारा जिहड़ा किते ट्रीट नहीं हो रहा कुछ परसेंट ट्रीट हो रहा होगा। मैनू याद है पिछे जे एक खबर आई सी अखबारों दे विच कि पंजाब ने 4 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वड्डे प्लांट खोलने हैं उन्हां विचों एक लॉन्च होया जिहड़ा कि थोड़े दिनों बाद फेल हो गया सी बठिंडे वाला ते बाकी 3 कदे खुले ही नहीं। आओ तुहानूं थोड़ा जिहा नज़दीकी तो दिखावां कि कूड़े का ढेर हुंदा किदां दा ते इहदे कारण की ने। लैट्स सी। ते मैं इस टाइम लुधियाने दे एक चौंक दे विच आ मेन रोड है ये एज यू सी ये कूड़े का ढेर ओपन है यू नो इट्स वेरी स्मैली हेयर ते कूड़े दे ढेर विच तुसीं देख रहे हो ये स्टायरोफोम दे भांडे ने ये वाले ये सारी फूड वेस्ट है इधर प्लास्टिक की वेस्ट है कितने तुसीं पत्ते देख रहे हो गार्डन वेस्ट है उधर गार्डन वेस्ट है ये सारिया स्किप्स वो स्किप है जिहड़ी उहदे विच सारी स्टायरोफोम जिन्हों आम तौर पर लंगरां दे विच ते घरां दे विच लोग इहनूं यूज एंड थ्रो करके इहनूं यूज करते हैं तो अपने यू नो सैलीब्रेशन असीं करते हैं। इट्स वेरी वेरी स्टिंकी हेयर आ सारी जिहड़ी ढेर है कूड़े दे मक्खियां ने इट्स ऑल जिहड़ा डिजीज़ का घर है वी कैन नॉट स्टैंड हेयर फॉर मोर ये तुसीं देख रहे हो सारा कूड़ा वी कैन वॉक ये किन्ना सारा कूड़ा ये सिर्फ मैं लुधियाने के एक महला जिहड़ा पॉश कॉलोनी है इतों की गुरदेव नगर विच इज़ एडजसेंट टू सराबा नगर ये उतों के कूड़े का ढेर है यू नो दिस इज ऑल द प्लास्टिक जिहड़े इतों कूड़े वाले जिहड़े इकट्ठा करते हैं यू कैन सी द गाय सिटिंग देयर इन्होंने सारा विचों इनू करते ने अलग अलग करते ने पर जिहड़ा बहुता कूड़ा यू कैन सी दिस इज सच एन ऑब्सीन तो यदा सरकारा ने कदों सोचना कदों इहदे बारे असी सोचना लोगों ने सोचना शुरू करना तो कहण दा भाव मेरा यही है कि इहदा जिहड़ा इलाज है इहदे इलाज दो तरह के हो सकते हैं एक तो असी कूड़ा बनाईए घट क्यों असी घरां दे विच प्लास्टिक की इन्नी वरतों करते हैं क्यों घरां दे विच असी स्टायरोफोम वर्गियां चीज़ां यूज़ करते हैं जिन्हां ने कदे धरती दे उत्ते गलना ही नहीं है दे आर पल्यूटिंग द मदर अर्थ दे पल्यूटिंग द मरीन लाइफ दे पल्यूटिंग द वाइल्ड लाइफ ये साडी लाइफ नूं भी ये चंगी तरह बेकार कर रहे हैं सानू डिजीज़ दे रहे हैं ऑलरेडी पंजाब दे विच जिहड़ा कैंसर रेट है बहुत ज़्यादा वध चुका है ये सारिया चीज़ा ने जदों किसी ने इहनूं अग लगानी क्योंकि इहदा कोई उह तां रीसाइकलिंग ज़्यादा नहीं हो रही ना ही इहनां दा कोई इलाज किया जा रहा इदां दा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिहड़ी पंजाब विच बहुत वधिया नहीं चल रही है सारे जाणदे हो जे किसी नूं पता है तो मैनूं इत्थे करैक्ट कर सकदे हो तुसीं हेठां कमेंट्स दे के इस वीडियो दे पर आ चीज़ां साढ़े पंजाबी डिजर्व नहीं करते साढ़े बच्चे साड़ी इतों की पापूलेशन ने डिजर्व नहीं करती कि असी इस माहौल दे विच रहिए ते मेरा कहण दा भाव सिर्फ इन्ना ही है कि प्लास्टिक थर्मोकोल स्टायरोफोम दे भांडियां तो इन लिफाफियां तो बचो अपने घर विच कागज़ दे जां कपड़े दे झोले बनाओ स्टील दे भांडे वरतो पेपर प्लेट्स वरतो पेपर कप्स वरतो पर यह चीज़ा जिहड़ियां कदे गलदियां ही नहीं धरती नूं हमेशा 1 लाख साल तक यह जिहड़ी थर्मोकोल दा भांडा स्टायरोफोम है दे डू नॉट बायोडीग्रेड दे डीग्रेड हुंदे ही नहीं इह तां क्यों असीं इहनूं वरत रहे हां क्यों असीं अपने पंजाब दा जिहड़ा बेड़ा गर्क कर रहे हां क्यों इहनूं नरक बना के रखिआ। 14 मार्च नूं जिहड़ा असीं प्रण करना कि सिख वातावरण दिवस दे मौके ते जां होर वी तुसीं कोई एनवायरमेंट डे मनाउंदे हो जिथे वी तुसीं बिलीव करदे हो मदर नेचर दे विच बिलीव करदे हो लैट्स सेव दिस लैट्स रिड्यूस एंड रीसाइकल द रबिश ये असीं बिल्कुल पंजाब दे विच डिजर्व नहीं करते कि असीं इस माहौल दे विच होर कंटिन्यू करिए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।